सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। इसके लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन है कि आप हमारे जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाले आप है पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, श्वासें दी, और परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नई रोशनी दी, एक नई उम्मीद दी, ताकि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सके और अपने जीवन भर के जो कार्य हैं, दिन भर के जो हमारे कार्य हैं, उसे हम कर सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो इसीलिए मेरे प्रियो, सर्वप्रथम पहले परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें कि पिता, हम जानते हैं कि आप हमें हर एक प्रकार के संकट में आप मेरी सहायता करने वाले हैं, आप मेरी मदद करने वाले हैं। आज हम उस परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है परमेश्वर। तो आज हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, संसार के लोग आपका साथ दे या ना दे, संसार के लोग आपके साथ रहे या ना रहे, लेकिन परमेश्वर आपके पास हर पल, हर समय, हर घड़ी रहता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हमेशा प्रार्थना करना है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो बीच में प्रार्थना को छोड़ करके चले जाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, यदि आपकी इच्छा नहीं कहती प्रार्थना करने के लिए तो मत करिए, लेकिन प्रार्थना को बीच में छोड़ करके जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमें बरकत देता है और परमेश्वर हमें संभालता है। इसीलिए परमेश्वर के पवित्र वचन को हमें कभी भी अनसुना नहीं करना चाहिए, उसके वचन को कभी भी हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ये तेरी इच्छा कहती है तो मुझसे प्रार्थना कर, नहीं कहती है तो परमेश्वर आपसे जबरदस्ती करने के लिए नहीं कहता है। इसीलिए आज हम वचन को पढ़ेंगे, लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 69 और वचन नंबर 1 में लिखा है। इस वचन को ध्यान से सुनिएगा मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहने, जो आज बिस्तर से उठे हुए या फिर लेटे हुए हैं या फिर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज खुदावंद आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए आया है। इसीलिए लिखा है मेरे भियों, एक में जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ। मेरे भियों, आज हमें परमेश्वर से क्या कहना है, आज हम अनेक प्रकार की समस्याओं में डूबे जाते हैं। आज मेरे घर में चिंता है, मेरे घर में मुसीबत है, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती है मेरे प्यों, तो वो आपके जीवन में है, तो आप क्या करेंगे, परमेश्वर से कहेंगे कि पिता, आज मेरे जीवन में मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपका लड़का हूँ। तो खुदा आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते हैं, मैं गहरे जल में आ गया और सारा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, धारा में डूबा जाता हूँ। मेरे प्रियो, ये आपके लिए वचन बहुत शक्तिशाली है, बहुत सामर्थी वचन आपके लिए है, क्योंकि राजा दाऊद ने इस वचन के द्वारा बहुत सारे काम किए थे। तो आज हम भी अपने जीवन में काम कर सकते हैं, आज हम भी अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को बता करके, चिंताओं को बता करके, मुसीबतों को बता करके हम परमेश्वर से दुआ कर सकते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें सामर्थ्य देने वाला है, वो हमें ताकत देने वाला है, वो हमें आजादी देने वाला है, वो हमें हर प्रकार की मुसीबत से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, कभी भी घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, तुम चिंता करके जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से आज चाहे आपके परिवार में झगड़े होते हों, बेटी या बेटों के जीवन में, भाई बहन के, या परिवार, या माता पिता भाई बहनों, या फिर पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं,
तो परमेश्वर उसे दूर करने जा रहा है, उसे आजाद करने जा रहा है। लेकिन आप इस वचन को अंत तक, प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करिए कि खुदावंद आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। परमेश्वर लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में बरकत देता है, आशीष देता है, तो क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा? आप भी विश्वास रखिए, जिस तरीके परमेश्वर ने अनगिनत लोगों के जीवन में काम किया, उसी तरीके परमेश्वर आपके जीवन को छूने जा रहा है। वो आपके घर को संभालने जा रहा है, वो आपके परिवार को संभालने जा रहा है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, जब भी आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर से कहें कि मेरा परमेश्वर आज मुझे संकट से छुड़ाने वाला है, और संकट के दिन मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा, क्योंकि मैं उस सच्चे परमेश्वर का गुणगान करता हूँ। उस सच्चे परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ जिसने संसार और सृष्टि को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया, और मनुष्यों को बनाया, और मुझे बनाया। मेरे घर परिवार में जो आज लोग हैं, उन्हें परमेश्वर ने रचा और उन्हें जीवन दिया और उन्हें सांसें दी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज मेरे प्रियो, आज जितने लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले हैं, आज मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं लग रही है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, और प्रार्थना करो और विनती करो, क्योंकि मैं तेरी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। आज हमें ज्ञान मांगना है, आज हमें बुद्धि मांगना है, आज हमें समझ मांगना है, आज हमें परमेश्वर से कहना है कि मुझे खुदा आशीष दे, मुझे बरकत दे, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं या फिर मैं आपकी बेटी हूं। तो परमेश्वर आपको संभालेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब आगे राजा दाऊद ने इस तरीके से प्रार्थना करना स्टार्ट किया, तो परमेश्वर से राजा दाऊद ने क्या कहा था, यहाँ पे लिखा है, मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है, अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते मेरी आंसुएं यानी मेरी आंखें धुंधली पड़ गई हैं। मेरे प्रियो, आज हमें इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमसे प्यार करता है। हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता। यदि जिस दिन आप ये कहेंगे, उस दिन आपका विश्वास टूट जाएगा, उस दिन आपका विश्वास खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो अनेक प्रकार की बुरी भावनाएं आने लगेंगी कि परमेश्वर सब लोगों के जीवन में काम करता है, मेरे जीवन में क्यों नहीं काम करता। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपके जीवन में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है और जो आपसे बैरी हैं, जो आपसे बैर रखने वाले हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें अपने अनुसार देख लूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम भरोसा रखो। आज जो गिनती नहीं है कितने परमेश्वर के विद्रोह करने वाले लोग आज परमेश्वर के सामने खड़े हो गए, लेकिन याद करिए सुलेमान की जीवन की घटना को, दानियल के जीवन को घटना को, दाऊद के जीवन की घटना को, बहुत सारे ऐसे योद्धा हुए जो बाइबल के अनुसार चले और परमेश्वर उन्हें आशीष दी, बरकत दिया। हर प्रकार की मुसीबत से राजाओं ने नहीं लड़ा, परमेश्वर लड़ा। कौन लड़ा? परमेश्वर लड़ता है। तो आपकी तरफ से परमेश्वर लड़ेगा, आज आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी बातों को सुनो और ध्यान दे करके सुनो कि मैं आज तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। आज हम चाहे जितने भी बड़े दुश्मन के साथ बन चुके हैं, आज हमारा बड़ा चाहे जितना बड़ा कोई दुश्मन बन चुका हो, चाहे हमारे घर के परिवार के रिश्तेदार या रिलेशन के अदरवाइज जो भी व्यक्ति हो, वो आपका कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाने वाला है। वो आपकी तरफ से लड़ने वाला हर एक मुकदमा है, हर एक प्रकार की समस्याओं को मिटाने वाला परमेश्वर है। तो आज हमें उस खुदा पर विश्वास करना है या फिर अपने आप पर विश्वास करना है, आज हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए अपने क्रोध को अपने अंदर दबा के रखो, अपने क्रोध को अपने अंदर दबा के रखो, अपने गुस्सा को अपने अंदर दबा के रखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा क्रोध सबसे भयानक होता है। इंसान का क्रोध एक पल के लिए होता है मेरे प्रियो, और ये बात सत्य है। आज आप किसी बात को लेकर के क्रोधित हैं,
आप किसी बात को लेकर के, किसी व्यक्ति को लेकर के यदि आज उससे बहुत नफरत करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कल उससे आप बोल लेंगे, उससे बात करेंगे, उसके साथ बैठेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हारा क्रोध हल्का सा होता है, एक पल के लिए होता है, लेकिन जब मैं क्रोध करता हूँ तो पूरी सृष्टि कांपती है। तो मेरे प्रियो आज हमें परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है, धैर्य रखना है कि खुदा मुझे आशीष देने वाले परमेश्वर आप हैं, मुझे सुरक्षित रखने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं उनकी जिंदगी में परमेश्वर बहुत आशीष देगा, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर मिटाएगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदा आज हमें आशीष दे, हमें छोपेदा, क्योंकि परमेश्वर आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में हर पल हर समय हर घड़ी काम करने वाले आप हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है इस मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इस मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपने हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं, वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत के घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत तोड़ना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया। 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 धन्यवाद यीशु प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियेल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सोर के राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। जिस तरीके दानियेल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया। 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 छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज आपने घर से आज्ञा दीजिए वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से, आपके घर में बरकत नहीं आ रही है,
आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चार पाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ्य है, आप में वो ताकत है। बाप ने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है, आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु क्रिस्तो, ही आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल, हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इसी घड़ी आप चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर, आज मेरे बच्चों को मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला, आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से, जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, बोलिए यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।